हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, ये देख ही रहे हैं आप, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ 20 पैनल जो ट्रायंगल हाफ अनारकली ड्रेस है वो मैं सिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आप लोग सभी जानते हैं जो अनारकली बहुत अलग अलग तरीका होता है, तो वो सभी तरीका मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और मैंने एक जो बेसिक है उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, जो 24 पैनल वाला जो अनारकली है, तो उसे आप ध्यान से उस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद ये सब वीडियो आप देखिए, तो आप लोगों को सीखने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो फॉर्मूला मैंने तैयार किया है और जो ड्राफ्टिंग करने का जो तरीका, तो ये आप लोगों को एक कागज़ में हो और स्क्रीनशॉट करके हो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आप लिखिए, पहले मैं इसे समझाता हूँ, उसके बाद इसे कटिंग करूँगा मैं। तो चलिए मैं आप लोगों को तो पहले बता दिया हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा समझा दूँ इसके। तो वो ऐसा है, ए और सी यानी कि इसमें क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए ये सारे इसमें डिटेलिंग है। ठीक है, फुल लेंथ, शोल्डर, हाई बस्ट, वेस्ट, हिप, नेक, बॉडीज, वेस्ट टू हिप, ये किसे क्या बोलते हैं आप सभी ने जानते हैं। और इसमें सिर्फ आप लोगों को समझाना है जो 20 पैनल है वो किस तरीके से है। ये देख रहे हैं साइड में ये जो पार्ट है, आप लोग तो बेसिक करके इसको देख रहे हैं, और जो लोगों को बेसिक ना पता हो, पहले आप हमारा जो 24 पैनल वाला जो हमने दिखा है आप लोगों को अनारकली, उससे आप देखिए एक बार, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस करके रखा हो, ताकि आप लोगों को ये आने वाला जो जितना वीडियो मैं अनारकली के ऊपर बनाता हूँ आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये देखिए साइड में जो पैनल होता है उसको 4 पीसेस चाहिए, और ये जो पैनल है इसको हम 4 और उधर 4 यानी कि 1 2 3 4, 4 4 8 होता है, और 8 8 यानी कि 16 होता है। तो और 16 और ये 4 यानी कि 20 पैनल। और इसे देखिए कैसे हमने इस जगह में करके रखा है, ये 16 और ये हमारा ट्रायंगल जो पार्ट है पैनल है वो है, और इसे 4 है। ठीक है, और इसे मैंने जो हाफ अप किया है, मैंने वेस्ट से इसे किया है। ठीक है, ऊपर में और नीचे में, और इसलिए जो हाफ हम बोलते हैं वो नीचे के हिस्से के लिए हम इसे हाफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम अभी आप लोगों को ड्राफ्टिंग करके दिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को और भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए जैसे कि कैसे इसे तैयार किया जा सकता है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें फुल लेंथ लेना है, जितना हमारा लेंथ है उतना हमें लेना है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो पहले मैं आप लोगों को दिखाया इस वीडियो का, जो इस टेक्निक को किस ए बी सी डी एफ जी इसी तरह करके जो फॉर्मूला मैंने दिया है, आप उसे प्लीज़ आपके पास रखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फुल लेंथ है। उसके बाद क्या होता है, हमारा शोल्डर है, शोल्डर के बाद हमारा क्या होता है, ये हमारा चेस्ट लेंथ होता है, चेस्ट लेंथ के बाद ये क्या होता है, ये हमारा हाई बस्ट होता है, ये क्या होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, और ये होता है हमारा हिप होता है, और उसके बाद हिप जैसा ये आएगा यहाँ से हमारा ये कारोबार स्टार्ट हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए जितना इसे लेंथ लेना है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमें समांतराल करना है, ये देखिए, और इसके बाद ये इधर आएगा ऑटोमेटिकली, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैसे कटिंग करके, इसका एक मेज़रमेंट भी होता है, जैसे कि वेस्ट कटिंग करने से पहले हमें बॉडीज़ के बारे में पता है, तो आप लोग जानते हैं बॉडीज़ किसे बोलते हैं, और उसके बाद वेस्ट टू हिप। ठीक है, और हमने क्या किया, सिर्फ ऐसे कटिंग करके ना करके हमने इसे बढ़ा दिया है, तो जैसे हमारा हिप जिसके जो हिप होता है उसी हिसाब से सीधा करके लाइन दे दीजिए। ठीक है,
और उसके बाद एक मन में कैलकुलेट कर लीजिए हमारा जो घेर घेर रहेगा नीचे में तो कितना बड़ा रहेगा। बहुत लोग जैसे कि इस तरह घेर लेते हैं यहाँ से, यानी कि हाफ तक भी हो जाता है घुमा के, ठीक है, यानी कि ऐसे करके भी हो जाता है। तो अपने हिसाब से लीजिए, मैं जैसे कि आप लोगों को ये बेसिक दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड, आप पहले अपना नेक कटिंग कर लीजिए नेक के बारे में, और उसके बाद शोल्डर डाउन कर दीजिए। अगर आप हाई नेक वाला कोई कॉलर वाला कोई ड्रेस बना रहे हैं, ईयर वाला नेक डाउन कर लीजिए, उसके बाद आर्म होल कर लीजिए, और ये हमारा बॉडी ऊपर का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट हो गया है, ये हम बाद में कटिंग करेंगे। और अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो नीचे का पार्ट कटिंग करने से पहले फ्रेंड इस जगह में हमारा एक कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन क्या है, हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जितना मेजरमेंट है उसे मैंने इस जगह में आप लोगों को दो तरीका मैं बोल रहा हूँ। जैसे इसका मेजरमेंट है मैंने हाफ इंच इसमें इसके अंदर रखकर पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं पैटर्न बना रहा हूँ। तो उसी हिसाब से हाफ इंच इसके अंदर है, ये जो लाइन दिया है इसके अंदर हाफ इंच है, नहीं तो आप अपने हिसाब से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो टेक्निक मैं दिखा रहा हूँ इससे आपको ध्यान में रखना है। अब मानिए इस जगह में इसका जो वेस्ट होता है, तो वेस्ट आप मानिए इसका इस जगह में एक तरफ वेस्ट होता है फ्रेंड, चलिए 30, तो उसका 1 फुट किया जाए तो कितना आता है फ्रेंड, 8 आता है। तो 32 4.5 होते हैं, यानी कि ठीक है 32। तो ये देखिए 32 अगर इस जगह में, इस जगह का मेज़रमेंट यानी कि 8 होता है, 8 इंच इस जगह का मेज़रमेंट होता है, तो उसको हम कितना भागा करेंगे, हाँ कितना भागा करेंगे। तो फ्रेंड हमें जो 8 इंच इस जगह में है, तो 8 इंच को हमें 5 भागा करना है। मतलब ये देख रहे हैं अब इसमें जो एक पैनल है, तो जैसे कि इसमें और जो अनारकली होता है उसमें अलग टेक्निक होता है, मगर इसमें जो जितना है इसमें सारे को मैंने 5 पैनल करना है, यानी कि मैंने 20 पैनल करने जा रहा हूँ। तो सभी ऊपर का जो हिस्सा होता होगा फ्रेंड, ये सभी एक ही रखना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं है जो साइड का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और इधर का जो पार्ट थोड़ा सा छोटा रहेगा, मैं इक्वल करना चाहता हूँ। तो 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, हम कैलकुलेटर में देखते हैं, तो 1.6 आता है, ठीक है जी, वह यानी कि देरी से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो 5 पीसेस आप देख रहा है इसमें से 1, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ आप, हाँ तो फ्रेंड ये देखिए 1 2 3 4 5। तो इसी तरह हमें 5 भागा करना होता है। तो मगर उससे कोई ज़रूरी नहीं है इस जगह में, क्योंकि हमें मेज़रमेंट मिल गया है इस जगह में, ठीक है, ये देखिए इस जगह में हमें मेज़रमेंट मिल गया है। तो हम अपने हिसाब से करेंगे, सबसे पहले हम वेस्ट को पकड़ेंगे, वेस्ट से हम 1.6 और यहाँ से हम सीम्स छोड़ देने के बाद 1.6, क्योंकि हमने जब इसमें पैटर्न कटिंग किया है तो उस वक्त हमारा सीम्स इसमें है, तो इसमें 8.5 है इस वेस्ट का मेजरमेंट है, तो हम 5.2 यानी कि सीम्स के लिए जो हाफ इंच लिया है वो छोड़ के मैंने 8 पकड़ता हूँ और वो रख कर मैंने इसमें 1.6 यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया है, और यहाँ से यहाँ तक 1.6 है। तो ये पॉइंट मिल गया है, और ये पॉइंट अगर मिल गया है तो फ्रेंड ये देखिए नीचे में से भी आपको दोनों बराबर एक पार्ट है। तो नीचे हम क्या करेंगे फ्रेंड, नीचे इस जगह में अगर 1.6 है तो हम नीचे क्या करेंगे, नीचे चलिए इसे डबल कर देते हम, ठीक है, यानी कि 1.6 अगर है तो चलिए मैंने एक तरफ का जो मेज़रमेंट होता है इसे हम 4 इंच, चलिए हम इसे 4.5 कर देते हैं, ठीक है 4.5 हम कर दे रहे हैं, यानी कि 4.5 इसमें कर रहा हूँ। और इसमें भी हम 4.5 यानी कि 4 4.5 और इसमें भी 4.5 मैं कर रहा हूँ।
तो ये पॉइंट हमारा हो गया है। तो इसमें हमारा चेंजिंग देखिए पॉइंट इधर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए दोनों लाइन बराबर हो गया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस जगह में थोड़ा सा ऐसे करके शेप देना है, ठीक है, ऐसे करके शेप देना है इसे इस जगह में। और ये जो पार्ट है फ्रेंड, इस पार्ट को इस जगह में जो मेज़रमेंट है और इस जगह में वो ही मेज़रमेंट आपको डालना है। तो इसमें भी थोड़ा सा शेप आता है, इसलिए इस जगह में शेप आता है। तो देखिए ये तो हमारा इस जगह तक हो गया है, और ये पार्ट हमें चाहिए 4 पीसेस और ये पास हमें चाहिए